Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vineeta Negi, making maths learning easy and simple for you. Today's topic is gamma function. मैं बात कर रही हूँ गामा n की and this value gamma n is equal to होता है integration from 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx जहाँ ये n पॉजिटिव वैल्यू है greater than 0 and ये गामा n हेल्प करता है इंटीग्रेशन में एंड कैलकुलेशन को हम इंटीग्रेशन में इजी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस गामा फंक्शन। ये गामा एन का जो फॉर्मूला है ये वैल्यू आपको कैसे देगा, कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो अगर मैं गामा वन की बात करूं, 0 to infinity e to the power minus x एंड x to the power n को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, मीन्स x to the power 0 एंड इसको मैं इजिली इंटीग्रेट कर सकती हूँ 0 to infinity e to the power minus x dx एंड आफ्टर इंटीग्रेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, लिमिट्स पुट करने पे मुझे वैल्यू मिल गई गामा 1 की 1। इसी तरीके से हम गामा 2, गामा 3 निकाल सकते हैं। बट क्या हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम गामा 2, गामा 3 की वैल्यूज फाइंड कर सकें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला मीन्स कैसे हम गामा n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं गामा n+1 की बात करूं, गामा n+1 इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n dx, n minus 1, अब n+1 के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे x to the power n हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, दो टर्म्स हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पुट करूँ, लिमिट पुट करने पे मुझे तो ये वैल्यू 0 मिल गई प्लस n अगर मैं बाहर ले लूँ एंड ए कम्प्लीट वैल्यू 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx। We know that gamma n is equal to क्या होता है, 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx। So यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिला, गामा n+1 is equal to n गामा n। मीन्स इस रिडक्शन फॉर्मूला से मुझे किसी भी गामा 3 की वैल्यू, गामा 15 की वैल्यू इजीली मिल सकती है। एंड इस रिडक्शन फॉर्मूला से अगर मैं गामा 2 की बात करूं तो गामा 2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, n को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, 1 गामा n। गामा 1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। तो अगर मैं इसे फैक्टोरियल 1 लिख दूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं गामा 3 की वैल्यू फाइंड करूं, सो गामा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n को मैं रिप्लेस कर दे रही हूं अब 2 से, तो 2 गामा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू गामा 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, फैक्टोरियल 1 एंड 2 इंटू 1 फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल 2 हमें मिल गया। इसी तरीके से गामा 4 की वैल्यू, n को रिप्लेस कर दूंगी अब मैं 3 से, 3 गामा 3 मीन्स 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसने मुझे किसकी वैल्यू दे दी, गामा 3 की वैल्यू एंड सो ऑन। मीन्स हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, गामा 2 फैक्टोरियल 1, गामा 3 फैक्टोरियल 2, गामा 4 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। जनरली अगर मैं बात करूं गामा n+1 की तो फैक्टोरियल के फॉर्म में ये मुझे क्या मिल रहा है, रिड्यूस हो रहा है। गामा 2 था तो फैक्टोरियल 1, गामा 3 था तो फैक्टोरियल 2, गामा n+1 है फैक्टोरियल n एंड इसके अकॉर्डिंग हम गामा 15 की वैल्यू, गामा 35 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फैक्टोरियल के टर्म। और इसी तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन है, मीन्स गामा 1/2 है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है √π एंड अगर इससे बड़ी वैल्यू आपको मिली, सपोज आपको मिली गामा 5/2, ओके, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, तो यहाँ पे मैं n को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी रिप्लेस कर सकती हूँ। सपोज मेरा 5/2 है तो मैं n को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी 3/2 से, गामा 5/2 n को रिप्लेस कर दिया मैंने 3/2 से एंड ये सॉल्व करके मुझे वैल्यू दे देगा 3/2 गामा 3/2, ओके। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 3/2 तो आपका एज इट इज रहेगा। अब गामा 3/2 के लिए हम n को अब रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 गामा 1/2 एंड 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू √π, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें, सपोज यहाँ पे 7/2 है, गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ, 5/2 के लिए 3/2, 5/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो फॉर गामा 7/2, 7/2 माइनस 1 5/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2 आएगा, फिर 5/2 माइनस 1 3/2 आएगा, फिर 3/2 माइनस 1 1/2 आएगा इंटू √π। सपोज 9/2 गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9/2 माइनस 1 मीन्स 7/2, इसके बाद आएगा 5/2, इसके बाद आएगा 3/2, इसके बाद आएगा 1/2 एंड √π। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग गामा 7/2, गामा 9/2, गामा 5/2 की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड गामा 1/2 को रिप्लेस कर देंगे √π से। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन के केस में, ओके। एंड जब हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, सपोज मैं बात कर रही हूँ गामा 15 की, यहाँ पे n को हमने रिप्लेस कर दिया 14 से, ठीक है। एंड हमें पता है गामा n+1 इज इक्वल टू हो जा रहा है फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे n को हम रिप्लेस कर देंगे 14 से एंड ये सिंप्लीफाई करने पे हमें दे देगा फैक्टोरियल 14। गामा 17 है तो ये हमें दे देगा 17 से 1 लेसर मीन 16 फैक्टोरियल। गामा 19 है फैक्टोरियल 18 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बोथ, अगर आपके पास फ्रैक्शन पार्ट है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है 15, 17, तो उस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ओके। अब क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/y होल पावर n-1 dy, एंड आपका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। पहले गामा n की डेफिनेशन से गामा n की वैल्यू क्या होती है। अब हम क्या करते हैं, जो e⁻⁻x है इसको हम y पुट कर देते हैं, हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैं e⁻⁻x को y से रिप्लेस कर देती हूँ। x इज इक्वल टू लॉग 1/y, हमें क्या चाहिए, लॉग 1/y है, तो लॉग 1/y के लिए हमने e⁻⁻x को पुट कर दिया y एंड dx की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई -1/y dy। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, ये अकॉर्डिंग टू x है, अब हमें अकॉर्डिंग टू y लिमिट भी चाहिए। तो जब हमारा x 0 है तो y हमारा चेंज हो जाएगा e⁻-0 मीन्स 1। इसी तरीके से x हमारा इन्फिनिटी है तो e⁻∞ और 1/e⁻∞, दैट इज 1/∞, y की वैल्यू हमें मिल गई 0। x को मैंने पुट कर दिया log 1/y एंड होल वैल्यू की पावर आ गई n-1 एंड e⁻⁻x को लिख दिया मैंने y एंड dx को रिप्लेस कर दिया -1/y dy से। एंड जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये y आपका क्रॉस हो जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन से मैंने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट हो गई, दैट इज 0 to 1। हमें सिंप्लीफाई करने पर मिल गया log 1/y एंड -1 dy। किसकी वैल्यू मिली, गामा n की, तो गामा n की वैल्यू हमें यही प्रूव करनी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शंस। आपको क्या करना है, जो भी इंटीग्रेशन है इनको गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। पहले आपके पास गिवन है तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो मैं इसे लिख सकती हूँ √sin θ अपॉन √cos θ dθ। पावर्स के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ साइन 1/2 θ एंड कॉस -1/2 थीटा डी थीटा, ओके। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट 0 to π/2 साइन m θ कॉस n θ डी थीटा। तो इसकी वैल्यू गामा के टर्म में क्या होती है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था ये सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ पे अब आपका m क्या है 1/2 एंड n है -1/2। तो यहाँ पे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ उसे 1/2 + 1 होल बाई 2 -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 -1/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा गामा 3/4 एंड यहाँ पे 1/4 डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज एंड ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गामा 1। इसे मैं लिख देती हूँ 1/2 गामा 3/4 गामा 1/4 एंड गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें √10θ dθ इंटीग्रेशन 0 to π/2 मिल गया 1/2 3/4 गामा 1/4 गामा, ओके। इसी तरीके से सेकेंड गामा फंक्शन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ओके तो यहाँ पे सबसे पहले ये x 1/x आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है x⁴, x को पुट करूंगी e⁻-t/5 मीन्स log 1/x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है t/5 एंड dx की वैल्यू मुझे मिल जाएगी minus 1 upon 5 e to the power minus t upon 5 dt. ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं. जब मैं x को पुट करती हूँ 0 मीन्स t की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी. एंड जब मैं x को 1 पुट करती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा log 1 मीन्स 0, t की वैल्यू मिल जाएगी 0. ओके, लिमिट्स चेंज हो गई. x पावर 4 को अब मैं कन्वर्ट कर दूंगी e टू द पावर माइनस 4t अपॉन 5 एंड log 1 बाई एक्स मेरा कन्वर्ट हो जाएगा t अपॉन 5 होल पावर 3 एंड dx मेरा रिप्लेस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 ई टू द पावर माइनस t अपॉन 5 dt. ये जो नेगेटिव साइन है इससे मैं लिमिट्स को चेंज कर देती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 4t अपॉन 5 एंड माइनस t अपॉन 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे मीन्स ई टू द पावर माइनस 5t अपॉन 5 एंड टी क्यूब अपॉन 5 का क्यूब 125 इनटू यहाँ पे बचा 1 अपॉन 5 डी टी. एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म आपका बाहर आ जाएगा 125 इंटू 5, डिनोमिनेटर में आपके पास आया 625. इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे एंड टी क्यूब डी टी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. अब देखिए मैंने क्या किया, टी को मैंने x लिख दिया एंड डी टी को dx लिख दिया. ओके, तो 1 अपॉन 625 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस x, x टू द पावर 3 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 1 dx. अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस x, x टू द पावर n माइनस 1 dx से, तो अकॉर्डिंग टू दिस n ये किसकी वैल्यू होती है, गामा n की. एंड यहाँ पर t को जब x के अकॉर्डिंग चेंज किया तो अब आ गया x पावर 3 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 1 मीन्स n यहाँ पे क्या है 4 मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन 625 एज इट इज है एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज गामा 4 बाय कंपेयरिंग दिस. सोल्यूशन मिला गामा 4 अपॉन 625 जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी. ओके, तो इस तरीके से जो ये गामा एन है ये इंटीग्रेशन में हेल्प करता है एंड किसी भी इंटीग्रेशन को गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं गामा फंक्शन में एंड गामा फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ओके.